नमस्कार, मैं मनीष कुमार है, आज गांव कोतकला में। सबसे पहले आपने नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नया साल पर कुछ नया किया गया गांव कोतकला में। आपने पीछे दिखाया दादा कला पीर के नाम से जो सुधर रसोई खोली गई है, और जिसने इस रसोई का संचालन किया उसके बारे में बताओगे। एक अनोखी पहल जो करी है, और पूरा गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद है, मौजूदा लोग यहाँ पर हैं, और गाँव का बन जाना इस रसोई का संचालन किया है, तो बातचीत भी करांगे जो इस रसोई का संचालन करें, क्योंकि अन्न है हर कोई खा का सोच, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो ये एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हर आदमी भर पेट खाना खावा। सुधर रसोई खोल लिया है, और खाने का टाइम है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। तो पूरा गाँव यहाँ पर मौजूद है, पूरा गाँव का सहयोग मिला है। तो एक बार बातचीत करांगे। क्या नाम जाएगा? संदीप जी। संदीप जी, क्या कुछ मन में आया आपका कि रसोई खोली जाओ नया साल, क्योंकि नया साल पर हर कोई सोचा कुछ मैं नया करूं। गरीबों की सेवा करने की इच्छा थी, और सभी के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से चलाएंगे इसको। ठीक है, धन्यवाद। तो किस तरह से मन में आया आपका? बस बाबा की कृपा से, घर पर सलाह, परिवार में कुछ सलाह करी, सब सलाह करके सब। और खर्च कौन उठाएगा? खर्च उठाएंगे सब, मिलजुल के उठाएंगे, सभी मिलजुल के करेंगे इसको। तो आपने यहाँ क्या सोचे कि मामा गांव में बिजनेस करता हूँ यहाँ पे? अच्छा, हाँ, स्टॉक का काम है अपना, पराली वगैरह का। और दादा कला पीर का नाम रखा आपने? इसको मैं शुरू से मानता हूँ, बचपन से मैं यही रखता था, शुरू से मानता हूँ इसको, मतलब बाबा की दया है, बाबा की दया। तो गांव के लोग भी यहाँ पर, उनसे बातचीत करांगे एक बार। महाराज जी बात करें, राम राम महाराज जी। ठीक सो जी। हाँ जी महाराज जी, शुद्ध रसोई का आयोजन किया गया, जो गरीबों के लिए खाना का शुद्ध खाना बनाया गया है। इससे ऊपर कोई दान नहीं है, नया साल महाराज जी कुछ ना कुछ सोचा कि मैं कुछ करूं, अच्छा करूं, लेकिन उन्होंने जो शुरुआत करी, क्या कहोगे शुरुआत पे? ये तो बहुत बढ़िया है जी, इनकी सोच है, मैं तो यही कहूंगा, बहुत ही बढ़िया है जी, मतलब अच्छी सोच लेकर चल रहे हैं। बढ़िया है जी। तो नया साल है महाराज जी, आज नया साल है, नया साल की शुरुआत हुई है, तो लोगों ने किस तरह की प्रेरणा लेनी चाहिए नया साल पे? प्रेरणा तो ये कर रहे हैं, इस तरह जो गौ माता है, दान करना है तो गौ माता का, और जो भूखा प्यासा है तो उसको पानी रोड अन्न का दान है, यही दान है, यही माँ दान है, वैसे इससे ऊपर कुछ नहीं है। मतलब इन्होंने अच्छी पहल करी। हाँ, और कोई गौ माता का है, कोई संस्था बनवानी है, या कोई कूल वाटर कूलर है देना है, दान तो उसमें दिए, दान तो खुद का होगा लेकिन सराहना जुगत की होगी, और कर्म अपने बनेंगे जी। हाँ, यही कहेंगे, इससे ऊपर हमारे पास कुछ नहीं। रविंद्र जी, क्या कहेंगे जो आज गांव कोतकला में शुद्ध रसोई का संचालन किया गया है? बहुत अच्छी, ये एक गांव के लिए प्रेरणा का विषय है। गांव राम इस चीज़ को सपोर्ट करके इसको चलाने का प्रयास करेंगे, और जितने भी अपने आए हुए हैं सब इसका संचालन में साथ दे रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है, मतलब मिलजुल हम भाईचारा बना रहे और गाँव राम एक रहे, ताकि आने वाला समाज कुछ सीखे इनसे। दादा राम राम। राम राम। ठीक सो? ठीक। दादा रसोई खोल गए नया साल पे? बहुत बढ़िया काम करिया भाई, रोटी भर का दान दी, बिल्कुल सबसे बड़ा दान हुए है, हमें तो बड़ी खुशी है इस बात की, बहुत खुशी होगी। और जिस भाई ने रसोई खोल गई उसका क्या कहोगे? देखो कितना अच्छा सोच लेगा चल रहे नई साल पे, उतनी अच्छा है बतावांगे, बहुत बढ़िया काम करिया, बहुत अच्छा काम करिया। मतलब नया साल बता था किस तरह काम करना चाहिए, जिस तरह से इन्होंने रसोई का आयोजन कराया कि हर आदमी भरपेट खाना खा ले। खाना खाओ जो जिस पर नहीं खाना खाओ भाई, खाना तैयार रहेगा, इसके लिए बहुत बढ़िया काम कराया ये। मतलब बाहर का ब्याह भी सराह कोई होगा? कोई ब्याह सारे सराह होंगे, इसके ऊपर कोई दान नहीं, रोटी पर का दान नहीं हो, सबसे बड़ा दान ही हुआ है। ठीक है दादा, राम राम। राम राम। ठीक सो दादा। हां ठीक सो। दादा गांव का बन जाना, गांव में रसोई का संचालन करया है, जो भरपेट खाना खिलावा है। बहुत बढ़िया करया। अच्छा काम करया है। बहुत पुण्य की चीज है। तो गांव राम की तरफ पूरा सहयोग है? पूरा सहयोग। राम राम दादा। ठीक सो। भाई बढ़िया काम करया, बहुत बढ़िया नया साल पे जोतन मुबारकबाद, और बहुत बढ़िया गरीब आदमी खाना खा ले। देखो नया साल पर कोई सोचा कि नया साल की शुरुआत हो या कुछ अच्छा करा, जो इन्होंने काम किया बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया, मतलब पूरा गांव। हाँ, पूरा गांव सही सहयोग देगा, देगा कि नहीं? सहयोग भी देंगे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देंगे, बराबर जानी है, बिल्कुल सहयोग भी देंगे, और बड़े राजी बड़े तंत्र कहें तो बड़े खास है, देखो कैसा काम करा गांव में, बढ़िया करा, घना बढ़िया तो जोर का। समझ में आएगी बात
गांव ने पार कर जाने गांव सारा राजी बन जाए गल राम राम दादा राम राम ठीक सो दादा ठीक भाई दादा नया साल पे हर कोई एक दूसरे ने मुबारकबाद दे कि नया साल की शुभकामना नया साल आपका जीवन में सुख समृद्धि लिया खुशी लिया है लेकिन इन भाइयों ने जो पहल करी है रसोई खोली है जो भरपेट खाना बहुत बढ़िया काम करे हर बार सबसे पहले तुमने धन्यवाद जो इसकी बात ने सारे शेयर कर रहे हो इसलिए तारा भी धन्यवाद और जो इस देवते ने काम करे है अच्छे परिवार की यही निशानी होती है गलत परिवार हो तो पंचायत फिर बस दी और सही परिवार हो तो भाई सही काम करेगा तो इसका परिवार एक नंबर का है सही काम करे है आत्मा तो सही बात निकली इसमें जो इसने काम करे धन्यवाद इसके परिवार को भी इसको नहीं इसके परिवार को भी धन्यवाद देते हैं बहुत बढ़िया काम करे इसने और गरीब के लिए बहुत अच्छा काम किया है किसी टाइम भी खाना ले सके है गामा में ही होटल ढाबे नहीं होंगे और आदमी आ रहा है कोई दूर तय और गए टाइम हो गया अरे खाना ले सके है ये फेरी फारी वाले भी आऊँ अभी रुका सारे ले सके है आधी कीमत पर आधा तो भी आधी कीमत पर खाना देगा छोरा एक नंबर का काम करे है इस देवता ने बहुत बढ़िया दादा आज देखा जे फोन में बड़े बड़े करे जाएंगे हैप्पी न्यू ईयर नया साल मुबारक लेकिन एक इन्होंने धरातल पर करके दिखाया इस तो सौ दही करके दिखा दिया हैप्पी मुबारकबाद ये तो 300 साल रहे इतनी तो सारा काम सिस्टम सही कर दिया एक नंबर का खाना कोई किसी टाइम ले सके फेरी आला है दूर तानिया है कोई भी ले सके है समस्या किसी घर में वारी आवा रोटी ना बना ले सके कोई वा नहीं पैसे दे के खाना लो और बढ़िया सहयोग करे हर इसका सहयोग दिल ते देंगे भाई आधी रात पता कर देगा तो आधी रात खड़े पावांगे इसके लिए हम तैयार हैं इसे काम करने के लिए जान झोंक सकते हैं हम बिल्कुल पीछे नहीं हट पहुंच रहे हैं एक बार बातचीत करांगे नमस्कार जी नमस्कार जी सभी ग्रामवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आज गांव कोतकला में ग्रामीणों द्वारा रसोई का आयोजन किया गया है ये एक बहुत ही अच्छी पहल है मैं इसके लिए सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ और सभी ग्रामवासियों से एक निवेदन भी है कि अपने जो युवा पीढ़ी है इसको नशा से बचाएं और पुलिस का पूरा सहयोग करें अगर कोई भी व्यक्ति क्योंकि आजकल एक नशा बहुत बड़ी बीमारी है और इससे अपना पूरा घर परिवार बच्चों का लाइफ भी ख़राब हो सकता है जो नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है वो अपराध करता है तो सभी से मेरी अपील है कि कोई भी मान लो इस तरह का जो है उसमें पुलिस का सहयोग करें धन्यवाद नई साल पर जी हर आदमी एक नई शुरुआत करनी सोचा है मतलब शुभकामनाएं दे सुबह लग जी शुभकामनाएं देने लेकिन एक इन्होंने यहाँ पर जी रसोई की हर आदमी भरपेट खाना खास कर क्या कहोगे इनकी सोच के ऊपर ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और मैं ये चाहता हूँ भी इस तरह का प्रोग्राम हर गाँव के अंदर हर गली मोहल्ले में भी होना चाहिए ताकि जो गरीब और बेसहारा लोग हैं उनको खाना मिल सके और कोई भी व्यक्ति भूखा पेट ना सोए धन्यवाद जो नए साल पर जी जो नशा कर रहे हैं जी नशे के ऊपर क्या कहना चाहूँगा ताकि नए साल में कोई प्रेरणा दे ले कि नशा मैं छोड़ दूँ त्याग दूंगा इसके लिए हमारे एडीजीपी साहब ने एक मुहिम शुरू की हुई है कोई भी व्यक्ति जो नशा करता है उनके इलाज के लिए भी अलग अलग सेंटर बनाए हुए हैं अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार का है अगर वो नशा छुटवाना चाहता है तो जो कमेटियाँ बनी हुई है उसमें पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग है और सरकार ने भी अपनी तरफ से अलग अलग जगह नशा छुड़वाने के लिए केंद्र बनाए हुए हैं तो संदीप ने कार्य किया है दुनिया में दो चीज हैं अकलमंद चतुर अकलमंद भी है चतुर भी है और दो चीज हैं अन्न और जल योग होना चाहिए अच्छे काम के लिए भाई मैं करूं फिर यह काम है और ना अपन वाली बात ना कि मैं लालच ना अपन कि मैं किसी का दगा आप कमा सीधे खड़ते लो कहने भाई तो करिए सारा शाला चला और गाजर फरी भाई नहीं भाई ताड़ी बजा दे भाई गाजर फरी इनकी तरफ से सब्जी के लिए गाजर फरी चाहे पांच बोरी लाखो आप फरी देंगे भाई और फिर दूसरी बात है एक और भाई जे कोई शराबी इस रसोई के अंदर बढ़ गया वो बाहर पाओगा भाई चाहे थाली में बैठा हो शराबिया कोई एंट्री नहीं हो रहा कोई एंट्री नहीं होगी रोटी खाओ ठीक से भाई सोफिया खाओ बीड़ी पीनिया और दारू पीनिया भी तनी बढ़ जाए नहीं भाई राम राम दादा राम राम ठीक सो दादा ठीक है मैं दादा नया साल की मुबारक और नया साल पर जो काम करिया गांव को उत्कलम पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है भाईचारा अब देखने मिल रहा है हां बहुत बढ़िया काम करिया संदीप ने भाई माम तो चावा और बढ़िया करे इससे भी बढ़िया करे मतलब इस काम में पूरा सहयोग दोगे पूरा सहयोग चार दी रात में ठाड़ी और दी रात में सहयोग देंगे पैसा का भी वैसे भी रहन सहन का भी
और जो कोई तंग करे दारू पी का उसका भी मतलब हर तरीके से सपोर्ट करोगे? हाँ, हर तरीके से सपोर्ट करा। गांव कोतकला में शुद्ध रसोई खोली गई है। राम राम दादा। राम राम। ठीक सर। हाँ ठीक है। मतलब क्या कहोगे जो आज शुद्ध रसोई का आयोजन कराया गया, नया साल पे एक नई शुरुआत करी गई है कि हर आदमी भरपेट खाना खा सके? बहुत बढ़िया, नए साल की शुभकामनाएं। हाँ, ये बहुत बढ़िया कार्य किया है अपने गाँव में कोतकला में। जो गरीब आदमी है, गरीब अपना फ्री में खाना पेट भर के अपना यहाँ पर खोने की व्यवस्था है और सब चीज़ की व्यवस्था है के गरीब के लिए के, इसके लिए शुभकामनाएं के। और नई साल में भाईचारा भी इकट्ठे का सारा का सारे? हाँ, सारा काम एक साथ है के इसमें के, सारा काम एक साथ है इसमें। सारा काम ने मिल के ना अपने बहन जन किए या दुकान के बहुत बढ़िया कार्य किया है गरीबों के लिए के। तो बड़ी बात यह कि गांव का बन जाना, गांव कोतकला में जो शुद्ध रसोई खोली गई है दादा कला पीर के नाम से जो रसोई खोली गई, और पूरा गांव राम गांव के लोग यहां पर मौजूद, सब में खुशी है और सब सहयोग भी करेंगे इस चीज़ का। चौकी इंचार्ज भी यहां पर पहुंचे हैं। तो नई साल पर आप भी सभी कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर ले कि मैं नई साल पर ये काम है जो नया काम ऐसा करूँगा, ताकि एक प्रेरणा हो, जो लोग देखा वो भी कुछ सीखा आप। तो यहाँ पर संदीप ने जो गांव का भाणजा है रसोई खोली है, 20 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा, शुद्ध खाना, जो सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और शाम के 5 बजे से शाम के 7 बजे तक है। और प्रजापति जो सब्जी बेचते हैं गाजर फ्री देंगे जब तक ये रसोई चलेगी। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है और आपके सोच विचार क्या है आपने कॉमेंट में देने हैं। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।